हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसे तो भारत में बहुत शहीद हैं, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे शहीद के बारे में जानेंगे जो बहुत छोटी सी उम्र में ही देश के लिए अपना जान दे दिया था। उसका नाम है शहीद कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ 22 दिसंबर 1924 असम के बोरगाबारी गाँव में उसका जन्म हुआ था। उसने उसका माँ और उसका पिताजी को छोटी सी उम्र में ही खो दिया था, इसलिए उसका दादी ने उसका पालन पोषण किया था। ज्योतिप्रसाद अगरवाला असम के एक प्रसिद्ध कवि थे। कनकलता बरुआ उनके गीतों से प्रभावित और प्रेरित हुआ और इन गीतों के माध्यम से कनकलता बरुआ के मन में राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित हुआ। सन 1931 के अंतरीय अधिवेशन में भाग लेने वालों को राष्ट्र विरोध के आरोप में बंदी लिया गया था। इसी घटना को लेकर असम के चारों ओर क्रांति की आग सब तरफ फैल गई थी। 20 सितंबर 1942 में तेजपुर के कचहरी में तिरंगा झंडा लहराने की निर्णय लिया गया था। तब कनकलता बरुआ का उम्र 17 वर्ष के हो गया था। उस समय छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को शादी दिया जाता था, लेकिन कनकलता बरुआ ने शादी को इतना महत्व नहीं देखा। वो भारत की आज़ादी को अधिक महत्व दिया। 20 सितंबर 1942 में गोहपुर थाने में भी तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता बरुआ भी अपनी मंजिल की ओर जा पड़ी और थाने के पास जा पहुँचा। उसके पीछे से जुनूस के नारों से चारों ओर गूंजने लगा। कुछ जनता के लोग थाने में झंडा लहराने के लिए होर सी मच गई थी। थाने के एक प्रभारी ने कनकलता बरुआ से कहा, यदि तुम लोग एक इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता बरुआ 17 साल की उम्र में आगे बढ़ी और पुलिस ने गोली चला दी और पुलिस के पहले गोली कनकलता बरुआ को लगी और दूसरी गोली मुकुंदो काकोती को लगी। उसके बाद भी गोली चलते रही, फिर भी तिरंगा झंडा लहराने में सफल रही। बाद में कनकलता बरुआ का अंतिम संस्कार बोरगाबारी में किया गया।